तमाम लोगों के बीच में सद्भावना का काम क्यों नहीं करवा रहे थे? पीछे रह करके ये बीजेपी जितने काम करते पीछे रह करके, या तो फिर इनको चाहिए बीजेपी को मर्ज कर ले अपने अंदर और दबंग होके आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने आरएसएस। कांग्रेस में दमखम है विचारधारा के आधार पर, आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है कोई बात नहीं, तो कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की हुई है, पंडित नेहरू की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आजाद की है, इतना दमखम है जिसके आधार पर संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर का, लोकतंत्र समाजवाद धर्मनिरपेक्षता की, दमखम है। आप मुकाबला करो उससे अपने विचारधारा से, आरएसएस बीजेपी एक हो जाए राजनीतिक पार्टी बन जाए उस पर दुनिया आगे आती है। आप पीछे रह करके राजनीति कर रहे हो, उनको जिताते हो और फिर हिंदुत्व की बात करते हो और ध्रुवीकरण करके चुनाव जिताते हो, तो ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने लगेंगे कि पार्टी है तो देश कमजोर होगा या मजबूत होगा, देश का जो सोचने की बात है और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से कल का भविष्य देश का युवा पीढ़ी के ऊपर है। आज जो कुछ हो रहा है कुछ लोग कुछ खुश हो सकते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए खतरनाक होगा। हालात देश के अंदर है, बहुत तनाव का माहौल है, देश में अशांति का है, चिंता का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, गंदा करे उनकी जो जो हिंसा कर रहे हैं, कंडम करे उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो, एक प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडम किया था जिसे लिचिंग करी थी, तब का ये एंटी सोशल एलिमेंट थे, एक बार बोलने के बाद में उनके मुंह पे ताले क्यों लग गए? प्रधानमंत्री 5 साल से क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी, उनका एक मायना होता प्रधानमंत्री बोलने का, हिंसा रुकेगी, माहौल बदलेगा। एक बार बोल गए फिर पता नहीं दबाव कहाँ से पड़ा, बोलना बंद कर दिया। तो मैं आज भी मांग करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो राष्ट्र के लोगों को आह्वान करे, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का राज रहेगा, जहाँ हिंसा होगी हम कंडेम करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर राजस्थान में भी चुनाव